हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स के लाइव होते ही सबसे ज्यादा क्वेरी मेरे पास ये आती है कि अगर हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो हमें कौन सी आईटीआर फाइल करनी है। तो आज इस वीडियो में आपको पूरी तरह से गाइड कर रही हूँ कि अगर आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो कौन सी आईटीआर आपके लिए फाइल होनी है। अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आप देख रहे हैं सीए गुरु जी और मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं आईटीआर फॉर ट्रेडिंग इन शेयर। अगर आपने अभी अर्निंग स्टार्ट की है और आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, तो व्हाट यू नीड इज अ डीमेट अकाउंट। मोतीलाल ओसवाल के साथ आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप इनकी वेबसाइट देख पा रहे हैं। 19 लाख प्लस हैप्पी कस्टमर्स है इनके, 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और खास बात यहाँ पे क्या है कि जीरो मेंटेनेंस चार्जेस हैं। और क्या चाहिए आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ अपना पैन, आधार, बैंक प्रूफ एंड सिग्नेचर चाहिए। मोबाइल नंबर एंटर करके, यहाँ टिक करके आप ओपन डीमेट अकाउंट के थ्रू इजिली ऑनलाइन ही डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल से डीमेट अकाउंट ओपन करने पर आपकी जो एएमसी है वो है जीरो फॉर द लाइफ टाइम। 3000 वर्थ की आपको डिस्काउंट कूपन्स मिल रहे हैं, 1000 का ब्रोकरेज कैशबैक और साथ ही 25,000 वर्थ रुपीस का वेलकम बास्केट इंक्लूडिंग एआई बेस्ड टूल्स ऑफ मोतीलाल ओसवाल। डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आप इनका मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको स्टॉक रेकमेंडेशंस के रियल टाइम नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। तो सोचना क्या है, अगर आप भी शेयर मार्केट में हाथ आजमाना चाहते हैं यानी शेयर मार्केट में प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए। बहुत सारे आईपीओस भी निकलते रहते हैं और वो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे सकते हैं जिसमें रिस्क भी बहुत कम होता है। तो उन सभी के लिए डीमैट अकाउंट रिक्वायर्ड है, तो जल्दी से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए मोतीलाल ओसवाल के साथ। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे आईटीआर इन केस ऑफ सैलरीड पर्सन हु आर ट्रेडिंग इन शेयर्स ऑल्सो। तो सैलरीड पर्सन के लिए जो एलिजिबल फॉर्म्स हैं वो हो सकते हैं आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4। अब आपको इनमें डिफरेंस समझना है और आपको फिर समझ आ जाएगा कौन सी आईटीआर आपके लिए है और कौन सी नहीं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आईटीआर फॉर्म के बारे में बताने से पहले ये बताना चाहूंगी कि शेयर्स में जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो उसकी इनकम दो तरह की हो सकती है। चलिए पहले वो जान लेते हैं। तो शेयर्स के ट्रेडिंग के जो टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं, मैं आपको बता रही हूँ। शेयर ट्रेडिंग इसके दो टाइप हैं। पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा है डिलीवरी ट्रेडिंग। जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ये आपका सेम डे स्क्वेयर ऑफ हो जाता है, यानी आपके जो शेयर्स हैं वो आपको डिलीवर नहीं होते और सेम डे उसका प्रॉफिट या लॉस आपको स्क्वेयर ऑफ कर दिया जाता है मार्केट के क्लोज होते ही। ये जो डिलीवरी ट्रेडिंग है इसमें आपको शेयर्स की डिलीवरी भी मिलती है, यानी आप उन्हें कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हो। जैसे मान लीजिए आपने रिलायंस के 100 शेयर्स आज बाय किए, आज क्या डेट है 14 जून को, आपने उन्हें आज बाय कर लिया, बट अभी आप उन्हें कुछ दिन के लिए होल्ड करोगे और जब आपको लगेगा कि आपको प्रॉफिट मिल रहा है या इनका प्राइस बढ़ गया है तो आप उन्हें बेचोगे। तो दोनों में जो डिफरेंस होता है वो ये है कि यहाँ पे तो आपको शेयर्स की डिलीवरी नहीं मिलती, यहाँ पे आपको शेयर्स की डिलीवरी मिलती है। तो यहाँ पे आने वाला प्रॉफिट या लॉस आपकी बिजनेस एक्टिविटी मानी जाती है, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। और जो यहाँ पे आपका शेयर्स बेचने से प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो आपका कैपिटल गेन या लॉस माना जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे इनकम टैक्स में जो पांच हेड है इनकम के, पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, लिख देती हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, चौथा हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड देन अदर सोर्सेस। तो अगर कोई पर्सन इंट्राडे ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स करता है उसका ये हो गया बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी वो इस हेड में फॉल कर गया। और अगर कोई पर्सन सिर्फ डिलीवरी वाली ट्रेडिंग करता है तो उसके लिए जो एप्लीकेबल हुआ हेड कैपिटल गेन का। तो बिकॉज हेड बदल रहे हैं इस वजह से आपकी आईटीआर भी चेंज होने वाली है। अब हम उसी के बारे में डिटेल में समझ रहे हैं। आपने समझ लिया कि शेयर्स ट्रेडिंग में किस तरह से डिफरेंस होता है और कैसे आपका इंट्राडे ट्रेडिंग तो आपका बिजनेस माना जाता है और अगर डिलीवरी शेयर्स आप करते हैं बाय तो वो आपका कैपिटल गेन या लॉस होता है।
डिलीवरी शेयर में वो भी आ सकते हैं, जैसे आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं और आपके आईपीओ निकलता है और फिर आप उसे बेच देते हो बस। ठीक है, चलिए अब हम आईटीआर फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। पहले बात करेंगे आईटीआर 1 सहज फॉर्म की, क्या शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने वाले पर्सन के लिए जो कि सैलरीड पर्सन है, क्या उसके लिए आईटीआर 1 फॉर्म एप्लीकेबल है? बिल्कुल नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं आईटीआर 1 कौन पर्सन फाइल कर सकते हैं। एक तो जिनकी टोटल इनकम सभी सोर्सेज को मिला के 50 लाख तक है। अगर इनकम है तो वो या तो सैलरी और पेंशन से है, हाउस प्रॉपर्टी से है, अदर सोर्सेज की इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट की, फैमिली पेंशन या डिविडेंड या कोई और अदर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम भी हो सकती है, अगर है तो अप टू 5000, या तो इन सभी का कॉम्बिनेशन या इनमें से कोई एक अगर आपकी इनकम है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। यानी क्या यहाँ पे शेयर्स की बात की गई, क्या यहाँ पे कैपिटल गेन की बात की गई, क्या यहाँ पे स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की बात की गई? नहीं। इसका मतलब अगर आप सैलरीड पर्सन है या आपकी थोड़ी बहुत अदर सोर्स की इनकम है तो, और आप शेयर मार्केट में भी डील करते हो, तो आपके लिए आईटीआर 1 बिल्कुल भी नहीं है। इवन अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो भी आपके लिए आईटीआर 1 नहीं है। आपने किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, तो यहाँ तो शेयर्स की वैसे भी बात नहीं हो रही, अनलिस्टेड तो है किसी के पास शेयर्स की, कोई भी शेयर हो अनलिस्टेड या कोई भी शेयर हो, वो पर्सन आईटीआर 1 को तो फाइल कर ही नहीं सकता। अब बात करते हैं आईटीआर 2 की। अब आईटीआर 2 किसके लिए एप्लीकेबल है? ऐसे पर्सन जिनकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं है। यानी कि मैंने जो आपको यहाँ पे दो टाइप बताए, इंट्राडे और डिलीवरी, इंट्राडे हमारा हो गया स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। क्या मैं इस केस में आईटीआर 2 फाइल कर पाऊंगी? क्या मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करती हूँ और आईटीआर 2 फाइल कर पाऊंगी? मैं सॉलिड पर्सन हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग करती हूँ, क्या मैं आईटीआर 2 फाइल कर पाऊंगी? आप कमेंट करके लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आईटीआर 2 के लिए पर्टिकुलर लिखा है कि ये उनके लिए एप्लीकेबल है जिनकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं। अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग कर ली तो आईटीआर 2 आपके लिए नहीं है। बट अगर आपने, आप सैलरीड पर्सन है, आईटीआर 1 इसलिए फाइल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं और वो भी कैपिटल गेन या लॉस आपका आता है, डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं, फिर आपके लिए आईटीआर 2 एप्लीकेबल है। वहां पे आप अपना कैपिटल गेन या लॉस दिखा सकते हैं। कैपिटल गेन या लॉस हमारा दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये जो ऐसे कंसेप्ट है इनको हमने अपने इनकम टैक्स कोर्स में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। उसमें हमने आपको आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4 डिटेल में फाइल करना सिखाया हुआ है कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ। तो अगर आप हमारा इनकम टैक्स कोर्स फाइल करना चाहते हैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, या आप हमारी वेबसाइट studybuddy.com को विजिट कर सकते हैं और यहाँ हमारा इनकम टैक्स का डिटेल कोर्स आके बाय कर सकते हैं। तो अब हमने दो आईटीआर के बारे में समझ लिया, आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2। ये जो दोनों ऊपर की आईटीआर थी ये उनके लिए नहीं है जो बिजनेस करते हैं। अब अगर मान लीजिए आप सैलरीड पर्सन भी हैं और आप बिजनेस भी करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी है आपकी, तो और आपकी शेयर से भी इनकम है, तो आपके लिए आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4 एप्लीकेबल हो सकती हैं। क्योंकि आईटीआर 3 तो बहुत ही वाइड है, इसमें तो सारा कुछ ही कवर है, इनकम टैक्स के जितने भी कंसेप्ट हैं इंडिविजुअल एचएफ के लिए वो सब आईटीआर 3 में कवर है। यानी अगर आपको कोई फॉर्म समझ नहीं आ रहा कि क्या आप आईटीआर 1 भरें, आईटीआर 2 भरें, आईटीआर 4 भरें, तो आईटीआर 3 तो आप आराम से भर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं आईटीआर 4 की। अब मान लिया आपकी सैलरी इनकम है, बट मैंने आपको जो बताया इंट्राडे वाला जो ये केस है आप इसमें डील करते हैं, यानी आपका स्पेक्यूलेटिव बिजनेस हो गया, क्या आप आईटीआर 4 भर पाओगे? देखिए अब आईटीआर 4 किसके लिए है? ऐसे पर्सन या तो उनकी सैलरी और पेंशन से इनकम है, वन हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्स की इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 है, और बिजनेस एंड प्रोफेशन की अगर इनकम है तो कौन से प्रेजम्प्टिव इनकम 44AD सेक्शन, 44ADA और 44AE सेक्शन की इनकम है तो ही आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग है तो आपके लिए आईटीआर 4 भी एप्लीकेबल नहीं है, फिर आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, आईटीआर 3 में तो आपकी कॉम्बिनेशन वाली जो भी इनकम है आप दिखा सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आईटीआर 4 आप इन कॉम्बिनेशन के केस में तो फाइल कर सकते हो, बट अगर आप स्पेक्यूलेटिव बिजनेस कर रहे हो यानी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप भर नहीं पाओगे। आईटीआर 1 अगर आपको जानना है कैसे फाइल होनी है उसकी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, यहाँ आई बटन पे मैंने लिंक कर दी है। चलिए आईटीआर 4 की फाइलिंग की वीडियो, आई बटन पे वो लिंक हो जाए। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ अब आपने समझ लिया है कि अगर आप शेयर्स में ट्रेड करते हैं तो कौन सी आईटीआर आपके लिए हो सकती है। हमारे पास आईटीआर 4 के बाद भी
और फॉर्म्स होते हैं IHF 5, 6 and 7 जो कंपनी, AOP, ट्रस्ट एक्सेट्रा पर एप्लीकेबल होते हैं। इंडिविजुअल एंड HUF के लिए यही फॉर्म्स एप्लीकेबल हैं। अगर आपको अपनी ITR खुद फाइल करने में दिक्कत आती है तो आपको स्क्रीन पे वेबसाइट दिखाई दे रही है legalsahayak.com। आप इनकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं क्योंकि इस बार ITR फॉर्म्स भी चेंज कर दिए गए हैं और कोई भी गलती का ना होना ITR में बहुत ही जरूरी है। गलत ITR फाइल करने से आपका या तो रिफंड रुक जाता है, आपके पास नोटिस आ जाता है, तो मेक श्योर एक्सपर्ट एडवाइस लेना बिल्कुल ना भूलें। इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।